गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरी नींद खराब की आवाज आ रही है। माना नए कपड़े, इसको तो निकाल ले। आज इन्होंने करना है ता यार। गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हो आप? मेरे से पहले उठ जाते हो, बड़ी जल्दी उठ जाते हो, सोते में तो मेरे से ज्यादा ही हो। क्या हुआ मम्मा? मोबाइल चाहिए आपको? भला क्यों चाहिए आपको मोबाइल? है मैं सीधे ही नहीं हो रहा, सीधे हो जाओ, टेढ़े सीधे हो जाओ ना। नहीं सीधे ही नहीं हो रहे। सो मेरी बहन के आज डांस प्रैक्टिकल हो रहा है, देखो कैसे कर रही है। ओके मैम इतनी भोली है नहीं जितनी बन रही है मैडम के सामने। मैडम को क्या पता है कितनी तेज चालाक है ये। सो देखो रोड कैसे क्लीन की गई है, बस वहाँ पे पहुँचा, वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब होना चलो सही है, कुछ तो हो रहा है ना, रोड तो साफ हो रहा है ना, और इधर आ रहा है ट्रक। सिंपल सिंपल कांची को डिंपल पड़नी काला, मन पर्यो मन पर्यो मन पर्यो मलाई मन पर्यो गट डिंपल बॉय। यस आई एम अ डिंपल बॉय बोला। सो फैमिली मम्मा मेरा देख रहे हैं बायोग्राफी यूट्यूब में, कहते कि एक सिस्टर है ये और दूसरी सिस्टर मेरी बुआ की फोटो दिखाई हुई है, ये कहते मैं मर गए। कहते जो इनकी दूसरी सिस्टर है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, क्या मतलब? तो गाइस ये बाबू का मिल्क है, तो मुझे बड़ा सही लगता है, पता नहीं क्यों ये। ओ मम्मा एक ही बार में झटक लिया मेरा तो भर पागल तो दिमाग से सारा झूठा कर दिया। बाबू देखो इधर कैसे मम्मी आपका दूध कान में लगी हुई है, सारा खत्म कर दिया। पागल बाहर जा रहे तो पता नहीं तेरे को। तो यहाँ पे लेटा सिर रखा और यहाँ पे बजा बड़ी जोर की लगा यार, ये पागल पागल ही है। बंदे चार है, बर्गर तीन लेकर आए मेरे को। नहीं तू खा ले यार, खा ले अब ना, खाने के लिए जा रहा है। हाय खा लो यार, मैंने नहीं खाना, एक जाना सैक्रिफाइस कर रहा है देखो यार। मम्मा ये क्या तरीका, बर्गर को तो आपने पूरा वो बना दिया यार, पूरे ऐसे खाया करो ना। खाने को तो बड़ा कुछ करता है, बट मैंने यहाँ पे छाला रखा, बड़ी मुश्किल से खा रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है यार। मालिश हो रही है, मालिश बाबू के मालिश। और ले 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 ले। अरे भाभी कैसे हो? बारिश आ रही है यार, पूरे यहाँ पे आ गया पानी, तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पानी भरा हुआ बज रहे हैं दो, एक तो पता नहीं हमारा फ्रिज क्यों नहीं खुलता। देख सो मुझे लग रही है भूख, तो बनाने जा रहा हूँ ये मैं। बुरा लगता है भाई आप लोग। सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो फैमिली। आज का होने वाला है एक ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग बना लूंगा आज, देखते हैं क्या क्या करता हूँ मैं, तो बाकी यही आज। चलो आज का दिन शुरू करते हैं, चलो भाई। नमस्ते 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 नमस्ते। हमारी वीडियो देखी जा रही है, दर्शन हमारा भी होने जा छोटे कृष्णा जी। आराम से। सो गाइस हम अभी ना एक वीडियो देख रहे थे, वीडियो लगाई तूने फिर से मेरा टी शर्ट पहना यार नीरू, यार सारे टी शर्ट खुले हो गए यार। मैं देख लो 10 साल पुरानी टी शर्ट पहन रहा हूँ, सब तो उसने पहन लिए। सो गाइस हम अभी एक गेम खेलने वाले हैं, हु बेटर नो मी। तो यहाँ पे पानी रखा जाएगा दोनों साइड, और जो गलत बोलेगा पानी में उसका मुंह डुबाया जाएगा। तो ये कहते मुझे तो कुछ नहीं पता, तू पहले ही बता दे मेरे को। क्यों नहीं पता भाई, तेरे को पता होना चाहिए। तो रात को बड़ी बारिश हो रही थी और सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो आज मौसम बड़ा सही हो रखा है। वीडियो नहीं बना पाया, क्या हुआ? ना सही है देखी। क्या था ये? इंग्लिश में बोली मुझे समझ नहीं आया। समझ आ गया था, मजाक कर रहा हूँ। हाय मम्मा बोलेगा हर वक्त वीडियो शूट मत किया कर, बोलो हर वक्त। सही आ रहा है, सही बहुत सही अंगला।
बहुत सही एंगल आ रहा था, मम्मा ने भी डायरेक्टर को मार दिया था, बड़ी खतरनाक पड़ गई मेरे को तो। सही आ रहा एक्टर, सही आ रहा एकदम एंगल ऊपर, एंगल ऊपर उठा के बाबू उठ जाएगा। मिलम बाबू शोल ओ आके उठा हुआ ये तो बाबू, मिलम बाबू उठा हुआ। सोजा सोजा सोजा, अंगड़ाई कैसे लेते हैं, अंगड़ाइयां अंगड़ाइयां मैं जबल बाबू बाबू। कौन सी वीडियो वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। क्या मतलब वीडियो देख ली ये बता पहले कौन सा वीडियो है। वैक्सीनेटेड होकर आई है, जो जो मैं बोलूंगा ना उसको तेरे रिपीट करना ठीक है। फ्रैक्चर नहीं नहीं फ्रैक्चर बहुत जैसे बोलती है तू। वीडियो बोली मम्मा, वीडियो बोलना। सो गाइस मैं आपको बता दूं प्रोनाउंसिएशन अपनी नेपाल की, और हमारा प्रोनाउंस वीडियो क्या है। सो गाइस अपने नेपाल की और इंडिया की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत नहीं मतलब थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। ओहो भूख लग गई, भूख लग गई, भूख लग गई। लड्डू का पाला उठ गया, मैं उठ गया। जब ये टोपी ऐसा करते मेरे को ऐसे को लगता है शेफ है। आप शेफ बनोगे हमको क्या बना के दोगे, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, थिंकिंग। वो आप अपनी मम्मी को खिलाया करें, उनको कमी है, उनको दिमाग में थोड़ा फर्क है कुछ ठीक है बाबू, आप क्यों खिला दिया करो एज अ मेडिसिन। आप में से काफी जाने पूछ रहे थे कि बाबू का नेम क्या है, बाबू का नेम है नीरिश। तो हमने तो काफी अच्छे अच्छे नेम बताए थे, पता नहीं इन्होंने नीरिश ही क्यों रखा, क्यों जीजू ने डाला था। आरव, आरव कितना सही था, आरव भी सही था, आहान 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 इतना अच्छा नाम था ना कि यार भांजे का आहान नाम रख दो, बट जीजू कहते अपने रिश्तेदार में है ऑलरेडी किसी का नाम। मम्मा मम्मा ऐसे क्यों रख दिया, नहीं पर बाबू को जितना टेढ़ा रखो ना उतने ही शांत रहते हैं ना, सूंघने की शक्ति ज्यादा आएगी। शेफ है ना तो हर चीज का टेस्ट और सूंघन अच्छी तरह से लेते रहेंगे। बस तुझे खिलाया करना वो तड़का तड़का, बहुत शाबाश गिर गई है। किसी नहीं करनी, जब मैं करता तब तो मेरे को बड़ा मारते हो ना तो मैं भी तो मामा हूँ। कैसे गिरा ये मोटी शीशा, शीशा शीशा टूट जाएगा शीशा। सो फैमिली मैं लेने वाला हूँ बाइक, पता नहीं लेने वाला होगा नहीं, बस बता रहा हूँ आपको, और डिसाइड हो रहा है कि कौन सा लूँ। तो मैं दीदी से पूछ रहा था कि ढुम ढुम वाला लूँ कि प्रम प्रम वाला लूँ। सो गाइज बताओ मेरे को कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ऑप्शन में अगले वीडियो में दूंगा कि कौन सी बाइक ले रहा हूँ। बाकी आप भी तो तूने क्या बनाने का सोचा है, मतलब बाबू को क्या कुछ नहीं सोचा, ये फोटी कर रहा है। फिर भी तूने और जीजू ने अपनी नहीं चलानी, चलनी चाहिए बाबू की, बाबू जो चाहेंगे वही बनेंगे है ना बाबू। अगर ये चाहे स्पोर्ट्समैन बने तो स्पोर्ट्समैन बनेंगे। अब क्या बन जैसा बनना चाहिए मेरा बेटा है सच में कहा उन्होंने। और रे वाह जीजू, आपने ऐसा कहा था कि मतलब भांजा मेरे जैसा, भांजा मेरे जैसा है। फिर तो मेरे जीजू ने बोला कि मेरा भांजा बड़े होकर मेरे जैसे बने, ऐसे बड़े बाल रखे हैं, पांच पांच दिन तक ना नहाए। अबे जीजू वीडियो देख के बोले नहीं तो मैं तुमने बोला था दीदी ऐसे कपड़े मार रही है। जो आपने बोला था नहीं, कमेंट बिलो प्लीज। जीजू मेरे को चिंकुट बोलता है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है चिंकुट। अच्छा मेरा नाम चिंकुट, तेरा नाम क्या है? सो फैमिली यहाँ पे किसी का भी रियल नेम नहीं पता आपको, बस मेरा नेम कौन सा विनोद है, तेरा तो विनोद ही है। मेरा रियल नेम दूसरा था जो बचपन में रखा था, नहीं यही है वीरेंद्र था। इसका रियल नेम है कुंती कला, नहीं मेरा नहीं है। तीरू का नाम है चूमा, उसका नाम है खीमा। माची का नाम खीमा, मम्मी का नाम चूमा, और आपको देंगे हम चूमा। किसको बोलते खीमा, वो कीमा बोलते हैं। देखो बाबू क्या मजाक चल रहा है। पाल में तीन तीन नेम रखते हैं, भगवान का नाम, एक कुंडली नाम, एक बुलाने वाला नाम। मेरे कौन से नाम है? अब तो पक्का पता है, क्या नहीं करते प्यार मेरे को।
मम्मा को ना ये पता कि मैं कितने बजे पैदा हुआ हूँ। जब भांजा पैदा हुआ था सबसे पहले किसको पता लगा? तुझे। जीजू ने सबसे पहले मेरे को कॉल किया था। होने चाहिए बाबू, मामा जैसे नालायक नहीं होना चाहिए। कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है ना बाबू, तुम्हारा मामा ने कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। माँ कहते हैं कि ये कोई लव करने का उम्र नहीं है, मेरे से 10-10 साल छोटे बच्चे लड़के लेके घूम रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं मेरे से 5-5 साल छोटे बंदे लड़कियां लेके घूम रहे हैं बाबू। और मम्मा बोलते हैं मेरे को प्यार करने की उम्र नहीं है। Hi everyone, how are you? आपके वीडियो में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करना। क्या व्यू है यार, मस्त है जगह। गाइस ये रोड अब न्यू बन रही है थोड़े टाइम में, अब पता नहीं कब तक लगेगा टाइम इसको। हाँ मेरे को बस हो गया अब गर्मी लग रही है पागल। बस आपसे ज्यादा तो मम्मी को पसीना आ रहा है, देखिए इधर आटे गर्म अंडे खाने चाहिए। गाइस संडे होगा मंडे झूठे माय जीजू बिकम टकलू। आज मैं बालों पे ऑयलिंग करूं, करने की नहीं जल्दी आया फिर विरोध मत रे स्टूपिड सिंह कुटे पागल बाबू शोला है। कैसे अगर मैं बाबू को उठा के बोलूं बाबू शोला है, बाबू ने मेरे मुंह पे हक देना फिर शोला है और ये सोएगा। गुड नाइट। तो ये सो ये है बाबू का तेल, ये तेल लगा सकता हूँ सिर पे मैं। अच्छा ये तेल लगा सकता हूँ मैं सिर पे, ये तेल लगा सकता हूँ। चल लगा फिर आया। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यही टीचर लगा के क्यों बैठा हूँ सुबह से नहीं कल से, तो इसी चीज़ के लिए मैं बैठा था कि मैं अपने बालों को ऑयलिंग करूँगा देन उसके बाद नहाऊंगा। तू है यहाँ पे दर्द हो रहा है यार। लड़की का नहीं फैमिली के साथ बिजी था, वीडियो बनाते हुए जा रहा था। जो देख रहे दर्द माँ मेरी लगी हुई है। काफी लोग पूछते हो कि मैं बालों की केयरिंग कैसे करता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ। बालों की केयरिंग ऐसे करा करो कि एक एक दिन स्किप किया करो, हर एक दिन के बाद रात को सोने से पहले विनोद ना छोटे होते ना बालों ऐसे करके लेकर रहे कि सोने से पहले ऑयलिंग किया करो, फिर आपके बाल इतने ऑसम हो जाएंगे ना। सो गाइस मेरे को मैं बाल पता ऐसे क्यों रखने लग गया थोड़े से फुकरे स्टाइल, इनकी वजह से बाल कैसे रखते बताना। आराम से वहाँ पे चोट लगी है। तब मेरे छोटे छोटे थे। बस आपको दिखाता हूँ कैसा स्टाइल कर रही है मेरा ये। आपको पता नहीं क्या बनाया है इसने, देखो आप, मैंने खुद नहीं देखा अभी अच्छी तरह से। यार ये गुत्थी नहीं करती। मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरी छोटी बहन आ गई है। 3-2-1 भाई बड़ा ऐसे करेगा। क्या कहें को? मम्मा इस स्टाइल को नंबर 2 में से 2 नहीं तू। यही उम्मीद थी इस स्टाइल का। जू मेरे चाह जू नहीं है ये था इसका वो काला काला आ गया। सो फैमिली उस लुक को मेरे को 10 में से बताना कितने मिलने चाहिए उस लुक में मेरी वीनी बहन के लिए। अब लग ये क्या किया। सो गाइस डिनर का टाइम हो गया है, चलो खाते हैं। आप भी खाओ और ऐश करो मौज करो मित्रों। ये कौन सब्जी है रे, मस्त है। सो वैसे तो मैं हाथ से खाता हूँ, इन वाले हाथों से, मतलब ऐसे खाते तो सब हाथों से ही हैं। थोड़ा तेल लग रखा है, थोड़ा रहेगा धोने के बाद भी, तो इसलिए चम्मच से खा रहे हैं। हाँ मुझे पता आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब कर और बोलो शेयर करो, और पीछे बैठी लड़की को भी बोलो। सीमा है पीछे सीमा। जो बोल रहे कि नेपाल में सब देखते हैं आसपास के एरिया लोग जो भी रहते हैं। अच्छा वो अभी लाइक दबाने के लिए बोल रहे हैं जी, जो अभी याद करके आए हैं। कमेंट और सब्सक्राइब करो प्लीज मेरे साले। ये देखो गाली देते हुए बोल रहे।